Find the positive integer n with exactly 12 divisors 1 equal to d1 less than d2 less than d3 less than d4 less than till less than d12 equal to n such that the divisor with index d4 minus 1 is d1 plus d2 plus d4 whole into d8. चलिए इस इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें क्वेश्चन पहले नज़र में आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है लेकिन एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे गौर से तो समझ में आ जाएगी बहुत आसान चीज़ है ये और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ नंबर थियरी के फंडे क्लियर कर लेंगे छोटी छोटी बातें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे और बहुत बेसिक बातें हैं बस हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उसे ध्यान दिलाएंगे उनमें से एक बात यह है कि हमारे पास जो नंबर दी गई है उसकी इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स है यानी वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता ये बात तो हमने क्लियर कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास जितने भी डिवाइजर्स दिए गए हैं वो तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है और हमें दी गई है डी जो है वो वन है और डी ट्वेल्व एन है तो ये बात ध्यान दीजिए कि डी दी वन इंटू डी ट्वेल्व जो है वो एन आता है और ये बात ट्रू है डी टू इंटू डी लेवन के लिए भी डी थ्री इंटू डी टेन के लिए भी ये आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर को आप लिख दीजिए और उनके सारे डिवाइजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए और लास्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकेंड लास्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट ये जो है नंबर एन ही आता रहेगा तो ये बात हमने क्लियर कर लिया तो डी आई इंटू डी थर्टीन माइनस आई हमेशा एन देगा और तीसरी बात है कि डी आई अगर डिवाइड करता है नंबर एन को और डी आई के जो फैक्टर्स हैं वो भी डिवाइड करेंगे अगर डी आई कभी कंपोजिट होता है तो तो जो फैक्टर्स हैं वो भी अगर एन को डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी एन के डिवाइजर्स ही होंगे तो उनकी भी एक इंडेक्स होगी और वो जो इंडेक्स होगी वो आई से कम होगी ये आप समझ सकते क्यों ऑबियस बात है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर हमें दी गई है कि एन जो है वो डी ट्वेल्व के बराबर है और डी ट्वेल्व से अगर हम डी ऑफ डी फोर माइनस वन को कंपेयर करें तो वो तो छोटा या बराबर ही हो सकता है क्योंकि कोई भी डिवाइजर किसी नंबर का नंबर खुद से तो बड़ा नहीं हो सकता तो चलिए हमने इसे नोट कर लिया अब डी और डी फोर माइनस वन हमें डिफाइन किया गया है डी वन प्लस डी टू प्लस डी फोर होल इंटू डी एट के बराबर यानी हमने अब ये देखा कि d1 वन प्लस डी टू प्लस डी जो है वो d ऑफ डी फोर माइनस वन का एक फैक्टर है यानी डिवाइज़र है तो वो n को भी डिवाइड करेगा क्योंकि d ऑफ डी फोर माइनस वन बीच एक डिवाइज़र है यानी d1 वन प्लस डी टू प्लस डी भी है एक डिवाइज़र तो उसका भी एक इंडेक्स होगा और वो जो इंडेक्स होगा वो तो फ़ोर से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली तो यहाँ पे हम एक इनिक्वालिटी एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि d1 वन प्लस डी टू प्लस डी फोर और इंटू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू डी फाइव इंटू डी एट आएगा अब ध्यान दीजिए ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है फाइव प्लस एट तो थर्टीन आ रहा है यानी ये डी आई इन टू डी थर्टीन वन आई के फॉर्मेट में बैठ रहा है तो हम इसे इक्वल टू डी लिख सकते हैं विच इज़ फर्दर इक्वल टू एन यानी कि अब इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए ये जो बड़ी सी इक्वेशन है जिसमें कई सारी इक्वेशंस और इन इक्वेशन्स जुड़ी हुई है एक साथ यहाँ पे हमने एन से शुरू किया और एन पे आ ख़त्म कर दिया एक कब पॉसिबल हो सकता है जब सारी इन इक्वालिटीज़ इक्वालिटी में बदल जाए यानी डी ट्वेल्व जो है वो डी ऑफ डी फोर माइनस वन के बराबर हो जाए और डी वन प्स डी टू प्लस डी फोर जो है वो डी फाइव के बराबर हो जाए यानी हमें अब डी फोर माइनस वन ट्वेल्व आ जाता है जिससे डी फोर हमें थर्टीन मिलता है और डी फोर की वैल्यू हमें थर्टीन मिल चुकी है और हमें ये भी पता है कि डी वन प्लस डी टू प्लस डी फोर जो है वो डी फाइव के बराबर है तो डी फाइव को अगर हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा वन प्लस थर्टीन प्लस टी टू तो वन प्लस थर्टीन को फोर्टीन लिख लिया तो फोटीन प्लस डी टू मिल गया अब चलिए डी टू को ऑब्जर्व करें डी टू के बारे में अगर हम देखें तो डी टू से कम या छोटा सिर्फ एक ही डिवाइजर है डी वन और वह है वन तो डी टू अगर कॉम्पोजिट नंबर होता है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी एन के डिवाइजर्स होंगे और उसकी इंडेक्स तो टू से कम होनी चाहिए लेकिन टू से कम वाली इंडेक्स में हमारे पास एक ही डिवाइजर है वो है वन यानी डी टू को पक्का प्राइम होना पड़ेगा तो ये बात हमने क्लियर कर दिया कि डी को तो प्राइम होना है तो चलिए अब डी पे केसेस देखते हैं अगर डी प्राइम है तो सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर हम देखेंगे डी टू इक्ल टू लगा करके तो उसे डी फाइव हमें सिक्सटीन मिलता है अगर डी फाइव सिक्सटीन है लेकिन हमारे पास जो कम इंडेक्स में फाइव से कम इंडेक्स में फ़ोर और एट तो मिसिंग है यानी डी टू इक्ल टू टू तो नहीं हो सकता अब चलिए डी टू इक्वल टू थ्री पुट करें डी टू इक्ल टू थ्री पुट करने पर डी फाइव की वैल्यू सेवनटीन आती है ये पॉसिबल है हो सकता है और डी टू इक्वल टू फाइव पुट करते हैं नेक्स्ट तो उससे हमें डी फाइव की वैल्यू नाइनटीन मिलती है ये भी पॉसिबल है तो चलिए नेक्स्ट केस पे देखें तो डी टू की वैल्यू हम सेवन पुट करें तो डी फाइव की वैल्यू हमें ट्वेंटी वन मिलती है अगर डी टू इक्वल टू सेवन है और डी फाइव इक्ल टू ट्वेंटी वन है तो थ्री भी एज अ डिवाइज़र आना चाहिए लेकिन थ्री कहीं एज अ डिवाइज़र हमें नहीं दिख रहा यानी डी टू इक्वल टू सेवन नहीं हो सकता अब हमने डी टू इक्वल टू इलेवन पुट किया डी टू इक्ल टू इलेवन पुट करने पर डी फाइव की वैल्यू हमें ट्वेंटी फाइव मिलती है लेकिन फाइव से कम इंडेक्स में हमें फ़ाइव ऐसा डिवाइजर नहीं मिल रही कहीं पे भी तो डी टू गोल्ट अलेवन भी नहीं हो सकती हमने सारे केसेस यहाँ पे चेक कर लिए कैसे क्योंकि अगर डी टू गोल्टू थर्टीन डालें तो वो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी D4 तो 13 है ही और D2 जो है उसकी वैल्यू D4 से कम होनी चाहिए तो सारी केसेस हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दी गई है कि नंबर एन की ट्वेल्व डिवाइजर्स हैं अगर ट्वेल्व डिवाइजर्स हैं तो उसकी जो पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है वो सिर्फ दो तरीके से हो सकती है एक है कि पी वन स्क्वायर इंटू पी टू क्यूब लिख दिया या पी वन स्क्वायर इंटू पी टू इंटू पी थ्री लिख दिया लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है हमारी पी वन स्क्वायर इंटू पी टू क्यूब वाली वो तो नहीं हो सकती वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी हमने तीन प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड कर ही लिए हैं तो जो पॉसिबल बचती है वो है पी वन स्क्वायर इंटू पी टू इंटू पी थ्री तो पी वन स्क्वायर इंटू पी टू इंटू पी थ्री में हमने जो दो प्राइम्स के लिए पॉसिबल केसेस निकाले उसके लिए छः केसेस बनाएंगे तो छः केसेस में हमें मिलेगी थ्री स्क्वायर इंटू थर्टीन इंटू सेवनटीन थ्री इंटू थर्टीन स्क्वायर इंटू सेवनटीन थ्री इंटू थर्टीन इंटू सेवनटीन स्क्वायर फाइव स्क्वायर इंटू थर्टीन इंटू नाइनटीन फाइव इंटू थर्टीन स्क्वायर इंटू नाइनटीन और फाइव इंटू थर्टी इंटू नाइनटीन स्क्वायर ये सब हमारे पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल रही है लेकिन फाइनली चेक करने पर जो असेंडिंग ऑर्डर वाली बात भी हम ध्यान में रखेंगे जो क्वेश्चन में दी गई है ऐसे चेक करने पर जो फोर्थ फैक्टर है हमारा फोर्थ डिवाइज़र वो अगर थर्टीन आना चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही केस में आता है वो है सबसे पहला केस थ्री स्क्वायर इंटू थर्टीन इंटू सेवनटीन में बाकी किसी केस में डी फोर यानी फोर्थ इंडेक्स वाला डिवाइजर थर्टीन नहीं आता है यानी हमारा जो आंसर है वो एन इक्वल टू थ्री स्क्वायर इंटू थर्टीन इंटू सेवनटीन जो कि एन इक्वल टू नाइनटीन एटी नाइन आता है धन्यवाद